शिवगामी ने महेशमती साम्राज्य को महेशमती के खिलाफ होने वाली साजिशों से बचा तो लिया है, लेकिन शिवगामी ये नहीं जानती कि दुश्मन महेशमती को नहीं बल्कि विक्रमादेवा के वंशज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। विक्रमादेवा के मरते ही उसके बाद दूसरे साम्राज्य महेशमती पर कब्जा करना चाहते हैं। विक्रमादेवा की पत्नी महारानी लक्ष्मी देवी ने एक पुत्र को जन्म दे दिया है, जिसके जन्म लेते ही महेशमती के कुछ सैनिक बागी हो जाते हैं और वो महारानी लक्ष्मी देवी और उसके पैदा हुए पुत्र पर हमला कर देते हैं। लेकिन मौके पर कटप्पा और शिवगामी वहां पहुंच जाते हैं। शिवगामी देवी महारानी लक्ष्मी देवी के पुत्र को तो बचा लेती है, लेकिन महारानी लक्ष्मी देवी उस हमले में मारी जाती है। शिवगामी महारानी लक्ष्मी देवी के पुत्र का नाम अमरेंद्र बाहुबली रख देती है और उसकी दुश्मनों से रक्षा करने लग जाती है। अब शिवगामी देवी अपने पुत्र भलाल देव और विक्रमादेवा के पुत्र अमरेंद्र बाहुबली को संभालने के साथ साथ महेशमती साम्राज्य की भी रक्षा करती है। एक दिन बिजाल देव शिवगामी से कहता है कि तुम जिस महेशमती साम्राज्य की रक्षा अपने जान पर खेल कर रही हो, इसी साम्राज्य में कभी तुम्हारे पिता देवराय सैनिक हुआ करते थे, जो एक ईमानदार सैनिक थे, लेकिन मेरे पिता महाराजा सोमदेव ने उनको मौत की सजा दे दी थी। बिजाल देव शिवगामी से कहता है कि शायद तुम वो सब भूल चुकी हो। फिर बिजाल देव कहता है कि लेकिन मैं वो दृश्य अभी तक नहीं भूला हूँ, जिस दिन महाराजा सोमदेव ने सबके सामने तुम्हारे पिता देवराय की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। शिवगामी बिजाल देव को आगे बोलने से रोक देती है। शिवगामी कहती है कि तुम अपने ही पिता महाराजा सोमदेव की गलती मुझे क्यों याद करवा रहे हो। तब बिजाल देव कहता है कि क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह अपने पिता सोमदेव से नफरत करता था। ये सुनकर शिवगामी चौंक जाती है। फिर बिजाल देव आगे कहता है कि कहने को तो विक्रमादेवा और मैं महाराजा सोमदेव के दो बेटे थे, लेकिन महाराजा सोमदेव ने कभी मुझे बेटे का प्यार नहीं दिया। महाराजा सोमदेव हमेशा विक्रमादेवा को ही अपना असली बेटा मानते थे। मैं तो हमेशा उनके लिए एक बोझ ही था। मुझे जो कुछ भी मिला वो मेरी काबिलियत या मेरे हक के रूप में नहीं बल्कि भीख के रूप में मिला। बिजाल देव कहता है कि महेशमती की राजगद्दी का हकदार होने के बावजूद भी मुझे कभी ये नहीं पूछा गया कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरा दर्जा इस साम्राज्य में किसी भिखारी से ज्यादा और कुछ नहीं है, जिस पर तरस खाकर उसको वो सब दे दिया जाता है जिसने वो कभी चाहा ही नहीं। बिजाल देव कहता है कि मेरे पिता सोमदेव कभी मुझसे मेरे दिल की बात नहीं पूछते थे। बिजाल देव शिवगामी से कहता है कि तुम्हारी शादी भी मुझ पर एक एहसान के रूप में की गई थी। बिजाल देव शिवगामी को अब एक बहुत बड़े राज की बात बताता है। बिजाल देव शिवगामी को बताता है कि उसने ही अपने पिता सोमदेव और अपने भाई विक्रमादित्य को दुश्मनों के हाथों मरवाया है। ये सब सुनकर शिवगामी और ज्यादा चौंक जाती है। शिवगामी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब अपने पति बिजाल देव को मारकर उसको उसके किए की सजा दे या बिजाल देव को जीवित छोड़कर अपने सुहाग को बचा ले। शिवगामी से बिजाल देव कहता है कि तुमने मेरे पिता सोमदेव को ये वचन दिया था कि तुम मरते दम तक मेरी और महेशमती साम्राज्य की रक्षा करोगी, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकती। बस इतना समझ लो कि जो गलती मेरे पिता सोमदेव ने तुम्हारे पिता देवराय को मार कर की थी, उसका दंड महाराजा सोमदेव को अपनी जान गवा कर मिल गया है। बिजाल देव शिवगामी से कहता है कि महेशमती की राजगद्दी पर मैं नहीं बैठ सका, लेकिन अब मेरा पुत्र भल्लाल देव महेशमती की राजगद्दी पर बैठेगा और मेरा सपना पूरा करेगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी में हम आपको बताएंगे कि शिवगामी अपने दिए गए वचन पर कैसे कायम रहेगी और अमरेंद्र बाहुबली को दुश्मनों और बिजाल देव से कैसे बचा पाएगी। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।